नंदी विक्रम को हैंडसम कहती है, लेकिन भाई क्यों? इस एपिसोड में देखो तो भाई मुरली सुबह तैयार हो रहा था, उसकी बहन सफाई के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है कि नंदी आ रही है पढ़ाई के लिए। तो भाई उसके घर में दिखाया जाता है कि उसके पापा बीमार पड़े हैं, डॉक्टर आया है उसे देखने के लिए। तो वो कहती है कि पापा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। लेकिन मुरली के घर में देखते हैं कि भाई वो सफाई करते करते उसके पास नंदी का कॉल आता है और वो आने से मना कर देती है। लेकिन भाई फिर मुरली फिर सफाई में लग जाता है। फिर उसके पापा बोलते हैं नंदी के कि तुम जाओ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा। ऐसी बकवास मतलब थोड़ी बहुत बात करते हैं। फिर मुरली सफाई कर रहा होता है तभी सारे फ्रेंड टपक पड़ते हैं मुरली पर और बोलते हैं कि भाई हम सब आ गए क्या, उसके पापा ने भी तुम सबको बोला है? तो ऐसे ही मजाक चलता है उन सबके बीच। लेकिन फिर उसकी मम्मी को नमस्ते कहते हैं सभी बच्चे। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि ये सब क्यों आए हैं? तो बोलती नंदी ने सभी को एक साथ पढ़ाई करने के लिए बोला दिया, लेकिन वो सलोनी को हेलो करते जब उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें कैसे पता सलोनी, लेकिन मुरली ने बताया होगा, ये सब बोल देते हैं। फिर भाई विक्रम के लिए नंदी चुपके से एक चिट लिखती है और उसमें हैंडसम लिख देती है। तो भाई मुरली देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उसको शक होता है। फिर भाई नंदी सब लोग बाय बोलकर बाहर निकलते हैं। नंदी बोलती है कि तुम्हें मेरा कॉम्प्लीमेंट पता है? तो बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो फोन लगा के पूछता है, लेकिन फिर भी नंदी नहीं बताती। फिर हमें कैंटीन का दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग खाना खा रहे हो। तभी दीपू नाम की लड़की भाई कहती है कि हम सब मूवी देखने चलेंगे, एक बहुत बढ़िया मूवी लगी है। तो सब लोग मना करते हैं, लेकिन धीरे धीरे भाई सबको ही हाँ कह देते हैं। फिर नंदी को मैसेज करता है विक्रम, लेकिन कुछ जवाब नहीं आता। मुरली को लगता है उसे हैंडसम कहा है नंदी, लेकिन भाई वो दीपू को बताता तो उसे शक होता है। फिर भी मुरली का दोस्त कह देता है कि हाँ ये सब तो चलता है। उसकी मैम आकर भाई मुरली को ले जा लेती है, लेकिन मुरली फिर बाहर उसके क्लासमेट के साथ नहीं जाता। दीपू सबको बता देता है कि वो मैडम के साथ गया, वो नहीं आ पाएगा, उसकी सेक्शन चेंज किया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें मुरली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग पढ़ते हुए भाई बात करते हैं कि मूवी पर हम कैसे सीट पर लेंगे और कैसे बैठेंगे। तो भाई सभी बात करते फिर घर जा रहे होते, तभी रास्ते में भाई कुछ लड़के लड़की हाथ पकड़े जा रहे होते, लेकिन दोनों में बहस होने वाली होती है, ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग, लेकिन फिर सब बहस खत्म हो जाती। तभी मुरली की बहन कहती तुझ जैसे लंगूर को भाई कोई हैंडसम कैसे कहेगा, विक्रम को देख विक्रम कितना हैंडसम है। तो भाई ऐसी बहस करते नंदी सभी को टिकट बांट रही होती है और बोलती है कि मुरली हम दोनों साथ में बैठी कहते। क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन नंदी कुछ नहीं कहती। फिर हमें कैंटीन का दिखाया जाता है जहाँ फिर नंदी नहीं आती। फिर भाई थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर हमको देखते हैं नंदी आ गई है, लेकिन वो मुरली से कुछ बोलता है लेकिन वो फिर जवाब नहीं। फिर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि ये चिट देखकर मुरली हंस रहा होता है, लेकिन भाई फिर वो कैंटीन में जाता है, फिर नंदी के लिए जूस लाता है, लेकिन भाई फिर नंदी गोल हो जाती है। फिर विक्रम और नंदी का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर। फिर नंदी बोलती है कि तुम बहुत हैंडसम अंदर से भी और बाहर से भी, क्योंकि भाई उसने कुछ उसकी मदद की थी सेंट्री देखे, तो भाई उसको प्रॉब्लम के बारे में पता था तो उसने मदद की, तो उसको हैंडसम भी कहा गया। फिर भाई नंदी जूस पीते हुए विक्रम को देखती है और मुरली एक तरफ देखने लगता है, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो।